हम लोग अभी वीआईपी रोड में हैं और यहाँ पर सनसेट हो चुका है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत से सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे शूटिंग वगैरह करने आते हैं और जब भी आप लोग भोपाल विज़िट करेंगे तो ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये एक बड़ा तालाब है, एक लेक है, बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, भोपाल का सबसे बड़ा लेक है। और यहाँ पे एक राजा भोज का स्टैचू भी है, भोज का भोपाल का नाम रखा है, भोपाल इसके बाद पड़ा है। एक्चुअली हम लोग 2-3 दिन से काफ़ी टायर्ड है, काफ़ी पर्सनल काम भी हमारा था, प्लस मेरा ऑफिशियल काम भी चलता रहता है, बीच में तो दोनों मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ऑफिस से कुछ छुट्टी भी नहीं, इसलिए थोड़ा पर्सनल वर्क के लिए हमें भोपाल आना पड़ा। तो 3 दिन हम लोग यहीं पे रुके, सोचा थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि आज लास्ट डे है और फिर कल हम लोग इंदौर के लिए निकलेंगे और उसके बाद फिर परसों हम लोग वापस पुणे के लिए निकलेंगे। तो वीआईपी रोड में आपको दिखाता हूँ, ऐसा दिखता है। अभी तो पूरी पूरी शाम हो गई है, सन पूरा सेट हो चुका है, ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ने लगा है यहाँ पे, ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ने लगा है और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। एक्चुअली एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है शाम में एक्चुअली, और सुबह भी लोग यहाँ पे जॉगिंग और वॉकिंग करने के लिए आते हैं जो लोग पास में रहते हैं। तो काफ़ी बिजी है मतलब ये रूट। ठंड बहुत है, ठंड बहुत है और लोग यहाँ पे आग जला के बैठते हैं, हाँ उसके बिना नहीं चलता काम। बढ़ेगी अभी और ठंड बढ़ेगी, हाँ अभी थोड़ा दिसंबर जनवरी में ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, अभी और ठंड मकर बढ़ेगी संक्रांत तक रहेगी। और फिर थोड़ा फरवरी में जाके थोड़ी कम हो जाती है। खैर ये तो सभी जगह का है, नॉर्थ साइड में आप कभी भी जाओ तो थोड़ा दिल्ली का ही क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे रहता है और हमारे महाराष्ट्र साइड में पुणे मुंबई में तो गर्मी रहती है, वहाँ ठंड नहीं रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। शीत है ना, शीत लहर है हाँ इसलिए ठंडा ज्यादा है। हाँ ठीक है, कल निकलते हैं फिर, घर निकलते हैं उसके बाद फिर 10 बजे तक निकलेंगे, जल्दी नहीं हाँ निकलेंगे हाँ ना क्योंकि ठंड है ना। हाँ पहुंच जाएंगे 4 घंटे में इंदौर, हाँ फिर देखते हैं, है ना। हाँ चलो ठीक है। ठीक है।